बेसिकली मेलबर्न से हूँ, ऑस्ट्रेलिया में। ओके, डॉक्टर आशुतोष सर का रेफरेंस आपको हेड ट्रांसप्लांट के लिए कैसे मिला? वन ऑफ माई फ्रेंड लाइक ही टोल्ड मी अबाउट डॉक्टर आशुतोष एंड देन ही गिव मी हिज रेफरेंस एंड आई जस्ट सर्च ऑन नेट एंड यूट्यूब एंड जस्ट टू ऑल द रिव्यूज एंड लाइक नो एंड देन आई जस्ट कॉल हियर इन द क्लिनिक एंड दे जस्ट टोल्ड मी लाइक टू कम हियर। डॉक्टर आशुतोष को आपने जैसे सर्च कर रहे थे हेड ट्रांसप्लांट के लिए, तो वैसे भी बहुत सारे से क्लिनिक से जो हेड ट्रांसप्लांट करते हैं, तो आपने कहीं और कंसल्ट किया भी है? और किया है तो डॉक्टर आशुतोष साहब में और वहाँ पे में क्या डिफरेंस लगा? मैंने पहले काफ़ी ऑनलाइन रिसर्च किया था, काफ़ी वीडियोस, रैंकिंग्स सब जगह इंटरनेट पे मैंने काफ़ी अदर कंट्रीज में भी मैंने देखा था और इंडिया में भी मैंने 2-3 कंसल्टेंट किए थे। मैंने पहले भी अपना कोई कहीं का फ्यूचर ट्रांसप्लांट करवाया था 8 साल पहले, बट उनका थोड़ा सा मुझे लगा कि इस बार मैं गया था तो कुछ मुझे थोड़ा सा सर्विस अच्छी नहीं लगी और कंसल्टेशन वगैरह कुछ मुझे ठीक लगा, तो मैंने फिर उसको छोड़ दिया। ओके, आप तो मेलबोर्न से हो, तो जैसे इंडिया में आप बात करनी हो तो आप व्हाट्सएप से या फिर ऑनलाइन से आप जैसे बात कर रहे थे, तो रिस्पॉन्स कैसा था? अच्छा था। मैंने पहले जैसे पहले पता चला तो मैंने एक बार सर्च किया सारा कुछ, फिर नंबर लेके यहाँ पे कॉल किया तो उन्होंने मुझे भार्गव सर का रेफरेंस दिया कि आप उनको कॉल करो, और मैंने जैसे ही भार्गव सर को कॉल किया उन्होंने मुझे अपने मेरे पिक्चर सारे मंगवाए व्हाट्सएप के थ्रू, और फिर हमने बात की, उन्होंने मुझे सारा कुछ समझाया कि आपको इतने ग्राफ्स डालने पड़ेंगे और ये सारी, मेरा पहले भी एक स्कार था पीछे जो एफटीटी से करवाया था, तो उन्होंने एक मेथड भी मुझे सजेस्ट की कि वो टैप और एफटीटी करेंगे और उसके बाद वो स्कार निकाल देंगे उसका, तो मुझे थोड़ा सा डाउट भी लगा। फिर मैंने सारा रिसर्च किया और सोचा कि नहीं नहीं ये हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है, तो उनका रेस्पॉन्स बड़ा अच्छा था क्योंकि मैंने पहली बार मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये स्कार चला जाएगा ऐसा, तो उन्होंने ऐसा ट्रिक दिखाया कि उन्होंने, और मैंने यूट्यूब पे सर्च किया और फाइंड आउट किया कि नहीं ये इट्स पॉसिबल, तो फिर मुझे वो चीज़ अच्छी लगी उनकी। ओके, तो जैसे आप इंडिया में आए तो डॉक्टर आशुतोष सर की अपॉइंटमेंट आराम से मिल चुकी थी? हाँ, मैंने आने से पहले ही 1-1.5 हफ्ते से पहले भार्गव सर से मेरी बात हो गई थी, तो उन्होंने उनका काफ़ी बिजी स्केड्यूल था और मुझे अपने टिकट बुक करवाने थे, तो फिर उन्होंने मेरी एक डेट बुक करवा दी और बाद में मुझे थोड़ी सी चेंज भी करनी पड़ी, पर ही वॉज लाइक क्वाइट रिस्पॉन्सिव के उन्होंने मुझे वो भी करके दे दिया और मुझे दूसरे दिन उसको उन्होंने अपॉइंटमेंट दे दी, विच इज़ रियली गुड लाइक जैसे लॉट ऑफ माई टाइम। डॉक्टर आशुतोष ने ये हेड ट्रांसप्लांट समझने के लिए कितना टाइम दिया था? डॉक्टर आशुतोष साहब को मैं इंडिया से आने के बाद कंसल्टेंट के लिए दूसरे दिन ही मिलने आया था, तो उन्होंने सारा कुछ देखा मेरा, सब सारे अच्छे से मुझे उन्होंने समझाया कि क्या कर सकते हो, उन्होंने मुझे एडवाइस दी कि वो दूसरी बार एफयूटी प्लस एफयूवी कर लेंगे मेरा और वो स्कार भी उसमें से निकाल देंगे, तो बहुत अच्छी उन्होंने मुझे सलाह दी और सब कुछ अच्छे से समझाया, सो विच इज रियली गुड के आशुतोष सर, सर उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा मेरे लिए। ओके, सर्जरी से पहले जो भी कुछ कह लेना था वो बराबर से आपको समझाई थी? हाँ, सर्जरी के पहले जो भी उन्होंने मुझे 2 हफ्ते पहले ही सारी वीडियोज़ वगैरह भेज दी थी कि क्या आपको एक्सरसाइज करनी है, कौन सी मेडिसिन आपको स्टॉप करनी है अगर कोई मेडिसिन वगैरह चल रही है, क्योंकि मैं ऑलरेडी मेडिसिन ले रहा था तो उसका एक्सरसाइज जिम वगैरह जो स्टॉप करना था वो हमें समझा दिया था कि आप कितने टाइम पहले आप शुरू कर सकते हो या बाद में कम बंद कर सकते हो, तो वो सारी प्रोसीजर पहले की और बिफोर आफ्टर सारी प्रोसीजर भार्गव सर ने भी मुझे अच्छी तरह समझाई, डॉक्टर ने भी अच्छी तरह समझाई और बाद में फॉलोअप कॉल भी अच्छे से आ रहे थे। सर्जरी के दिन का माहौल कैसा था? आई वॉज एक्चुअली क्वाइट नर्वस के जैसे लाइक नॉर्मली लोग होते हैं ऑपरेशन के दरमियान के क्या होगा ऐसा कुछ, बट जब मैं यहाँ सवेरे आया तो स्टाफ वॉज वेरी फ्रेंडली और आशुतोष सर तो वेरी कि उनका हैप्पी मूड देख के या मतलब अपना गम भूल जाते हो ऐसा होता है, तो सर ने भी बहुत अच्छे से किया कि आप अच्छा फ्रेंडली माहौल सेट किया और एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा था, अंदर म्यूजिक चल रही थी, सब कुछ ट्रीटमेंट उन्होंने भी पहले ही बता दिया था कि नो पेन सर्जरी, तो मैं क्वाइट हैप्पी था कि लास्ट टाइम मुझे थोड़ा सा पेन हुआ था लेकिन इस बार तो मुझे
पेंट क्या मतलब सर्जरी कब खत्म हुई वो भी पता नहीं चला। आई वॉज रियली हैप्पी। सर्जरी के दिन आपकी कैसे केयर ले गई थी? सर्जरी के दिन अच्छे से ट्रीटमेंट अच्छे से हुई मेरी। उन्होंने सवेरे मुझे मिले अपने सारे मैंने फॉर्म्स वगैरह फिलअप करने के बाद उन्होंने मुझे जो दवाई देनी थी सब कुछ वो भी दे दिया। अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया कि क्या होने वाला है क्या करने वाले है। और जब भी मुझे मतलब कुछ क्वेश्चन हो या मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ तो मैं स्टाफ से सर से बात कर लेता था। तो और अगर मैं थक गया ऐसा मुझे कुछ थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मुझे ब्रेक चाहिए तो वो लोग मुझे ब्रेक में चाय ब्रेकफास्ट और जो एक लंच ब्रेक भी देते हैं तो वो सारा अच्छा से मतलब उन्होंने पैकेज में कवर किया हुआ था। तो आई वॉज रियली हैप्पी कि इट्स नॉट लाइक अ बोरिंग सर्जरी और एनीथिंग। इट वॉज लाइक क्वाइट गुड एक्सपीरियंस। सर्जरी के बाद जैसे हम बात करते कि आपने फर्स्ट टाइम भी एफयूटी किया था और सेकंड टाइम डॉक्टर आशुतोष ने एफयूटी और एफयूई दोनों कॉम्बिनेशन वन डे में ही किया, तो आप बताना चाहेंगे कि फर्स्ट टाइम एफयूटी और सेकंड टाइम एफयूटी में कुछ पेन क्या फील हुआ, कैसे रहा अभी तक के? मतलब सर्जरी को तो काफी दिन हो चुके लेकिन अभी भी कुछ पेन या ऐसा कुछ फील हो रहा है अभी? नहीं सर्जरी के दिन भी मुझे ऐसा कुछ लगा ही नहीं। क्वाइट लाइक पहले तो मुझे जब मेरी एफयूटी हुई तो मुझे पता भी नहीं चला। मैंने खुद थोड़ी देर के बाद जब आशुतोष सर वापस आए तो मैंने उन्होंने पूछा कि अभी मेरी स्ट्रिप निकालनी बाकी है तो उन्होंने बोला कि स्ट्रिप भी निकल गई है स्टिचेस भी हो गए। तो उन्होंने मुझे ऐसे मतलब अच्छे से उन्होंने कर दिया तो मुझे पता भी नहीं चला था उस टाइम तो कि मुझे और एक चीज़ अच्छी लगी कि स्टिचेस भी मेरे लास्ट टाइम जब थे तो ले रहे थे तो मुझे पता भी चल रहा था कि काफ़ी मुझे थोड़ा सा पेनफुल भी हो रहा था। इस बार तो मुझे कुछ दर्द भी नहीं हुआ तो वो बहुत अच्छा उनका एक्सपीरियंस रहा। और वो चीज़ भी उन्होंने स्टिचेस भी अच्छे से मैंने बाद में जब देखा उनका रिजल्ट तो मुझे बहुत आई वॉज वेरी हैप्पी कि मेरा स्कार चला गया। वो एक्चुअली नाउ एकदम से मतलब इनविजिबल हो गया है और आज 10 दिन हो गए और मुझे नो पेन। मैंने कुछ हेडेक भी नहीं हुआ है कुछ भी हुआ नहीं है तो आई एम रियली हैप्पी। और जैसे हम बात करते हैं कि सर्जरी तो हो चुकी थी 2 दिन के बाद, जैसे हमने ड्रेसिंग का प्लान किया था, तो ड्रेसिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा? ड्रेसिंग के लिए मैं जब आया यहाँ पे तो बर्गसों से मिला उन्होंने मुझे बोला कि थोड़ी देर बैठो और बाद में हम ड्रेसिंग के लिए गए अंदर। तो अच्छे से जो मेरे ड्रेसिंग निकाला और मेरा जो हेयर वॉश करना था वो सब कुछ उन्होंने मुझे करके दिया और सिखाया भी कि कैसे शैम्पू यूज़ कर रहे हैं आप करना है आपको। तो वॉज लाइक रियली गुड के वो एज अ सारी ट्रीटमेंट कैसे करनी है क्या से करना है वो अच्छे से मतलब दिखा रहे थे आप तो वो मुझे अच्छा लगा। जैसे हम बात करते हैं डॉक्टर आशुतोष सर ने हेड ट्रांसप्लांट तो कर ही दिया था, पहले आप थोड़े बोर्डनेस थे, सेकंड टाइम एफयूटी करने का प्लान भी किया, तो आपने जो निर्णय लिया था वो सही था? हाँ मैं अपने इस डिसीजन से वेरी हैप्पी हूँ कि मैं डॉक्टर आशुतोष सर के साथ यहाँ पे मिला उनको। और मैं उस चीज़ से बहुत हैप्पी हूँ कि उन्होंने मेरा स्कार रिविजन किया जो चीज़ मैंने सोची नहीं थी। मैं इस बार बस एफयूटी करवाने आया था। मैंने एफयूटी का तो सोचा ही नहीं था कि मैं एफयूटी करवा के दूसरी बार एफयूटी तो नहीं करवाऊंगा मैंने वही डिसीजन था। लेकिन सर ने ऐसे मुझे ट्रीट किया कि एफयूटी दोबारा करेंगे और स्कार भी निकल जाएगा। अब दिस इज एक्चुअली अ मिरेकल के ये चीज़ तो मैंने सोची ही नहीं थी एंड आई एम रियली हैप्पी कि मेरा स्कार चला गया। और अब हेड ट्रांसप्लांट के पहले और अभी आप क्या फील कर रहे हो? अभी भी थोड़ा सा सर में तो जो नॉर्मल सर्जरी के बाद थोड़ा सा हैवीनेस रहता है वो तो होना ही होना है बट अदरवाइज ऑल सब कुछ बहुत ठीक है। हाँ और मेरे स्कार वार सब कुछ निकल गया हुआ है। आगे भी काफ़ी चीज़ अब इम्प्रूव हो रही है तो बहुत अब बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ डॉक्टर आशुतोष सर, ये हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा भी बी आई ट्रांसप्लांट, आईब्रो ट्रांसप्लांट, लाइपोसक्शन, ब्रेस्ट सर्जरी, गाइनोकोमेस्ट्री, बहुत सारी ऐसी कॉस्मेटिक सर्जरी भी करते हैं, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को भी अगर कोई कॉस्मेटिक सर्जरी करवाना चाहता है तो किसी को रिकमेंड करना चाहोगे? मैं डेफिनेटली सबको यही सलाह दूँ कि अगर आप इंडिया में आ रहे हो तो डेफिनेटली आप डॉक्टर आशुतोष सर को ही मिलो क्योंकि ही इज़ अ वेरी गुड प्लास्टिक सर्जन। उनके हाथ में जादू है तो वो बहुत अच्छे से और मुझे एलिगेंस की एक चीज़ है बहुत अच्छी लगी कि कस्टमर सर्विस उनकी बहुत बहुत बढ़िया है। डॉक्टर आशुतोष का नेचर, एलिगेंस टीम का नेचर,
और एलिगेंस क्लिनिक का यहाँ का एनवायरनमेंट आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा है यहाँ पे। सारे स्टाफ आप बहुत से अच्छे से मतलब ट्रीट कर रहे हैं। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है आप उनको बेझिझक कॉल कर दो, वो अगर कॉल नहीं उठाते तब भी वो कॉल बैक कर देंगे जैसे उनको टाइम मिलेगा, और कोई भी डाउट हो वो आपके क्लियर कर देंगे। डॉक्टर आशुतोष सा एलिगेंस टीम और एलिगेंस क्लिनिक का 5 स्टार से कितना स्टार देना चाहेंगे? मैं डेफिनेटली उनको 5 स्टार ही दूंगा क्योंकि उनकी सर्विस बहुत ही वेरी गुड है। ओके सर, थैंक यू। नो वरीज।